मोदी के नेतृत्व में किसान संपदा योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित करना है। यह जानकारी जबलपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया को दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश भर में इस साल 1082 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 21,000 करोड़ रुपए है। इससे देश में रोजगार के नए अवसर सृजन होंगे। ये ऐतिहासिक रही है। पहले टॉप स्कीम थी जिसमें आलू प्याज और टमाटर तीन ही चीजें लिस्टेड थी। कोरोना के बीच में हमने उसको बढ़ाकर 22 किया, उसमें 11 फल 10 सब्जियां उनको जोड़कर, ताकि आम किसान को उसका लाभ मिले। ये ऑपरेशन ग्रीन की मैं बात कर रहा हूं, ताकि यदि कहीं किसान रेल के तहत अगर उसको कहीं और पहुंचाना, और उसका परिणाम था कि कोरोना के बीच में भी सब्जियों की जो मारामारी नहीं हुई, उसके परिवहन के कारण लाभ जो दिया, उसको 50% भारत सरकार का खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय देता है और किसान रेल को उसका फायदा मिला। प्रधानमंत्री ने अचानक कहा कि भाई आत्मनिर्भर भारत में इसकी सूची और बढ़ा दीजिए, तो हम ऑपरेशन ग्रीन में इस सूची को हमने 22 तक पहुंचाया और आत्मनिर्भर भारत में हमने इसको 41 तक पहुंचाया। छोटी से छोटी चीजें भी, फल और सब्जियां खराब ना हो, किसान को उसको परिवहन का अधिकार हो, परिवहन रेल परिवहन हो चाहे सड़क परिवहन हो, व्यापारी करे या किसान करे, दोनों को उसका लाभ मिलेगा।